उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के उपचुनाव के दौरान अपने प्रचार की पहली सभा शिवपाल सिंह यादव पर हमले के साथ शुरू की है। मैनपुरी के करहल में सोमवार को अपनी चुनावी सभा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव पेंडुलम जैसे हो गए हैं, लेकिन इस बयान को लेकर अब समाजवादी पार्टी की ओर से सख्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सीएम योगी ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया था जिसके कुछ घंटे पहले शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में कटौती की गई थी। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी कम हुई तो इस पर अखिलेश यादव हमलावर हुए। इसके अलावा अखिलेश ने सीएम योगी के पेंडुलम वाले बयान पर प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव ने भी इस पर अपनी राय दी है। ये कहा है कि उन्हें बीजेपी से यही उम्मीद थी। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के बयान को भी जायज ठहराया है। अखिलेश की बात को सही बताते हुए शिवपाल ने कहा कि मेरा जवाब अखिलेश ने बहुत अच्छा दे दिया है। दरअसल सीएम योगी ने मैनपुरी की सभा के दौरान कहा था कि शिवपाल सिंह यादव की हालत पेंडुलम जैसी हो गई है। बीते दिनों उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली थी और कुर्सी के हैंडल से संतोष करना पड़ा था। उनकी हालत फीफा के फुटबॉल जैसी हो गई है, जिसकी अपनी ना कोई गति है ना दिशा है। जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। इस बयान के दिन ही अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव की ओर से सीएम योगी को जवाब दिया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक है। साथ ही यह भी कहना है कि पेंडुलम समय के गतिमान होने का प्रतीक है और वो सबके समय को बदलने का संकेत देता है, और यह भी कहना है कि ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है जिस पर अहंकार किया जाए। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा। शिवपाल सिंह यादव ने योगी को जवाब देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी से, ये अपेक्षा थी। अब हमारी स्वेच्छा, हमारे कार्यकर्ता और जनता करे। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए? अब देखिए, डिंपल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। कल मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि शिवपाल सिंह यादव फुटबॉल की तरह पेंडुलम की तरह हो गए हैं, किस तरह से इस बयान को लेते हैं? देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है, तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का। अभी क्या नाराजगी रही जो आपके जो प्रसपा जो अध्यक्ष रहे सुनील यादव समेत कई लोग दूसरी दल में चले गए हैं? ये तो स्वार्थी लोग हैं। माना जा रहा है कि मैनपुरी के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी अपने खेमे में करना चाहती थी, लेकिन जब शिवपाल ने अखिलेश का दामन थाम लिया तो बीजेपी इससे नाराज हो गई। शायद इसी कारण मैनपुरी की सभा में अखिलेश यादव से ज्यादा निशाना सीएम योगी ने शिवपाल सिंह यादव पर साधा है। शिवपाल ने इसका जवाब दिया है और ये भी कहा है कि डिंपल यादव की जीत के बाद या तो बीजेपी वाले सुधर जाएंगे और अगर नहीं सुधरे तो 2024 में जनता इन्हें हटा देगी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।